गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली इननेट इम्यूनिटी के बारे में। और एक्चुअली इननेट इम्यूनिटी क्या है, जैसे कि ये नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, किसी एंटीजन के सेंसिटाइजेशन से ये इम्यूनिटी हमें नहीं मिला है और ये बाय बर्थ इस तरह का इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ है। और ये हाई, ये एक्चुअली नॉन स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक नहीं है किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट। जैसा कि एडेप्टिव और एक्वायर इम्यूनिटी में हम लोग पढ़ेंगे कि ये इम्यूनिटी बेसिकली एडेप्टिव और एक्वायर इम्यूनिटी दरअसल स्पेसिफिक है। तो इसी के बारे में आइए शुरू करते हैं। तो दरअसल इम्यूनिटी का, इम्यूनिटी के अंदर ये जो एम्ब्रेला टर्म है उसमें दो डोमेन है, इननेट और एक्वायर, एक्वायर या एडेप्टिव, ये दो टर्म है। हम लोग आज बात करने वाले हैं इननेट इम्यूनिटी पे। इननेट, इननेट बेसिकली, इननेट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। मतलब इननेट इम्यूनिटी की बात करें तो इसमें दो लाइन ऑफ डिफेंस एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये बात हरदम याद रखना चाहिए। ये पूछता है कि ये नॉन स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फिजिकल बैरियर है और केमिकल बैरियर है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी क्लासिफाई करते हैं अगर दो भागों में, फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर, केमिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या है, किसी भी इंडिविजुअल का आउटर सरफेस उसका फिजिकल बैरियर है। जैसे हम लोग के केस में स्किन, ये फिजिकल बैरियर है। या बॉडी के अंदर जैसे जीआईटी ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरोजेनाइटल ट्रैक, ये कंजक्टिवा, ये सब बना हुआ है एपिथेलियल सेल का। और ये सेल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, डिफेंसिव रोल में होता है। क्या करता है ये, अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक का कोई टिश्यू को इनलार्ज करके आपको एपिथेलियल सेल दिखाएं तो ये देखिए, ये एपिथेलियल सेल है, ये कोलोमिनर सेल होता है एपिथेलियल सेल, ये इसके नीचे बेसमेंट लेयर है, ये एपिथेलियल सेल है इसका, ये न्यूक्लियस, ये एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल। ये सेल एक दूसरे से हाईली कनेक्टेड है, ये टाइट जंक्शंस के थ्रू, टाइट जंक्शंस के थ्रू ये कनेक्टेड है। और इस चलते किसी तरह का इन्वेडर्स ये इसके थ्रू सेल में इंटर नहीं कर सकता है, टिश्यू के अंदर इंटर नहीं कर सकता है। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ अनलेस एंड अंटिल कि किसी तरह का इंजरी ना हो जाए, इंजरी होगा या नेचुरल ओपनिंग के थ्रू एक्सेस कर सकता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन ऐसे नॉर्मली फिजिकल बैरियर जो एग्जिस्ट करता है अलग अलग जगह, जैसे स्किन का ही नाम ले रहे हैं, तो यहाँ से एंट्री इम्पॉसिबल है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि नेचर ने कुछ इस तरह का ये लेयर दिया हुआ है और इस तरह का कुछ इस तरह का उसके अंदर सेल के अंदर, एपिथेलियल सेल के अंदर एडहेसन्स है सेल टू सेल, कि उसमें कोई चांस ही नहीं कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर सकता है। अब देखिए ये फिजिकल बैरियर का एग्जांपल था, साथ ही साथ केमिकल बैरियर भी एग्जिस्ट करता है, ये प्री एग्जिस्टिंग बैरियर है। जैसे कि अगर एक इम्पॉर्टेंट केमिकल की बात करें जो पेप्टाइड है, डिफेंसिन, ये देखिए ये डिफेंसिन, ये स्किन के सरफेस पे पाया जाता है, स्किन के सरफेस पे, स्किन सरफेस पे पाया जाने वाला ये पेप्टाइड है, स्किन सरफेस। ये क्या करता है, ये जैसे मान लिया कि ये ज़्यादातर एक्ट करता है वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे जिसके पास सेल मेम्ब्रेन है, फंजाई के पास सेल मेम्ब्रेन है, बैक्टीरिया के पास सेल मेम्ब्रेन है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ कुछ वायरस के पास भी सेल मेम्ब्रेन होता है, ज़्यादातर वायरस के पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है। ये क्या करता है कि यहाँ पे एक चैनल क्रिएट करता है और आयन का लीकिंग करने लगता है और इस तरह से ये वाटर इंटर करने लगता है और ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाएगा, ऑस्मोटिक
लाइसिस और ऑस्मोटिक ब्रास्टिंग बोलते हैं। तो बैक्टीरिया को इस तरह से ये किल करता है। इसी तरह से अगर यहीं पे इसी को एग्जांपल गॉबलेट सेल इसमें है, जैसे यही सेल में गॉबलेट सेल है, ये गॉबलेट सेल है, इसके ऊपर ये सारे गॉबलेट सेल पे किसी तरह का सीलिया का सीलिया नहीं एग्जिस्ट करता। ये देखिए, ये गॉबलेट सेल की अगर बात करें तो ये म्यूसिन सिक्रीट करता है, म्यूसिलेजनस लेयर, और ये क्या करता है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करता है और ये सीलिया के थ्रू स्वैप करता है, झाड़ू लगा देता है। तो इस तरह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आया है सरफेस पे तो ये फिजिकल बैरियर उसको रोकता है, साथ ही साथ केमिकल बैरियर है जो किल करता है, और बहुत सारा, जैसे अगर हम बात करें टीयर्स का, टीयर्स में लैक्रिमल ये जो ग्लैंड होता है लैक्रिमल ग्लैंड, उसमें लाइसोजाइम है। ये लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम बेसिकली बैक्टीरियल सेल वॉल का कंपोनेंट है, बेसिक कंपोनेंट नैम और नैग, उसके बीटा वन फोर लिंकेज को ब्रेक करता है और इस तरह से जो क्रॉस लिंकिंग होता है पेप्टिडोग्लाइकन का उसको वीक करता है और अल्टीमेटली वही होगा, ऑस्मोटिक लाइसिस होगा उस बैक्टीरिया का। तो दरअसल ये कुछ मैकेनिज्म है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का, लेकिन मेनली हम लोग इस पे बात करेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का। तो जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल करता है, इसका मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेस कर गया है टिश्यू के अंदर। अब जब ये टिश्यू के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मान लिया बैक्टीरिया इंटर कर गया है, तो इसके बाद होगा क्या कि एंट्री करने के बाद सेंटिनल सेल एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे एक्सेस कर गया तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट हो जाएगा, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होगा, डिफेंस एक्टिवेट होगा। ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या है? ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो सेंटिनल सेल है, सेंटिनल सेल्स, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। अब सवाल है कि ये सेंटिनल सेल क्या होता है? सेंटिनल सेल जैसे डेंड्रेटिक सेल, एग्जांपल है सेंटिनल सेल का डेंड्रेटिक सेल, डेंड्रेटिक सेल, मैक्रोफाजेज, मैक्रोफाजेज, साथ ही साथ मास्ट सेल, मास्ट सेल, ये एग्जांपल है दरअसल सेंटिनल सेल का। ये तीनों एक्टिवेट हो जाएगा जैसे टिश्यू के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड कर गया है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फिजिकल बैरियर केमिकल बैरियर ब्रेक करके अंदर आ गया है, तब ये सेल एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन ये सेल, दरअसल अब सवाल उठता है कि ये सेल रिकॉग्नाइज कैसे करता है किसी भी पैथोजिन को? तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात बताएं, जैसे कि ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के सर्फेस पे एक मार्कर होता है जिसको बोलते हैं पाम्प, पाम और डाम। ये बैक्टीरियल सरफेस पे नहीं होता है, ये नॉर्मल सेल पे भी हो सकता है। पाम्प क्या है? ये अगर बैक्टीरिया है तो पाम्प का मतलब हुआ पैथोजिन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, इसको बोलते हैं पैथोजिन एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर पैटर्न, पैथोजिन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। इसका मतलब होता है, ये डैम का क्या मतलब होता है? डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। नॉर्मल सेल कोई डैमेज हो गया है, वो भी डेंड्रेटिक सेल, मैक्रोफाजेज, मास्ट सेल उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो ये दरअसल पैम्प, पैम्प का एग्जांपल, सबसे हॉट एग्जांपल अगर पैम्प का बोले तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का जो LPS है वो एक्चुअली मार्कर है, इसको ये रिकॉग्नाइज करता है। नॉर्मल सेल में पैम्प नहीं होता है, ये एक्चुअली पैटर्न है जिसको हमारा ये डेंड्रेटिक सेल, मैक्रोफाजेज और मास्ट सेल रिकॉग्नाइज करता है। दरअसल ये कैसे करता है, इस पर दो मिनट समय लेते हैं। ये जैसे अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे ये जो जो हमारा मैक्रोफाज, बेसिकली अगर इसको करेक्ट वे में लिखें तो इसको बोलते हैं रेसिडेंट, रेसिडेंट मैक्रोफाज। अब देखिए, इस मैक्रोफाज में रिसेप्टर होता है, ये मैक्रोफाज के पास रिसेप्टर है, डेंड्रेटिक सेल के पास रिसेप्टर है, मास्ट सेल के पास रिसेप्टर है। इस डेंड्रेटिक, ये मैक्रोफाज के पास जो रिसेप्टर होता है उसको PRR बोलते हैं, PRR मतलब पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर। ये क्या है? पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर इसको बोलते हैं। ये दरअसल क्या है, ये इसका सबसे बड़ा, ये पैटर्न रिकॉग्निशन, इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, पैम्प को रिकॉग्नाइज करता है या डैम्प को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये
ये जैसे रिकॉग्नाइज करता है, ये दोनों आके बाइंड कर गया इसके सरफेस पे, चूंकि ये रिसेप्टर है और ये इसका जो पाम्प है वो लिगेंड की तरह एक्ट करेगा और ये इस पर बाइंड कर जाएगा। ये सबसे एक पीआरआर का सबसे एग्जांपल, एक हॉट एग्जांपल है टीएलआर4, टॉल लाइक रिसेप्टर 4, इसको क्या बोलते हैं, टॉल लाइक रिसेप्टर 4। अब देखिए ये कॉन्सिक्वेंस हुआ है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजिन टिशू के अंदर इन्वेट कर गया है तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट हो गया है, और वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेशन में क्या है कि ये सेंटिनल सेल्स एक्टिवेट हो गए, और सेंटिनल सेल एग्जांपल है डेंड्रेटिक सेल, मैक्रोफाजेस, मास्ट सेल, इन सारे सेल के पास रिसेप्टर होता है और ये रिसेप्टर पार्टिकुलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, इसलिए इस रिसेप्टर का नाम है पीआरआर रिसेप्टर। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसेप्टर है, बहुत सारा रिसेप्टर हो सकता है, ये टॉल लाइक रिसेप्टर 4 बोल रहे हैं, ये रिकॉग्नाइज करता है बेसिकली यही एलपीएस को, अगर ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है उसके एलपीएस को रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिकली। तो ये एग्जांपल है दरअसल। अब क्या हो गया, जैसे ये यहाँ से अगर बातों को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कराएं तो क्या होगा कि ये जैसे मैक्रोफाजेस के सरफेस पे जो रिसेप्टर है वहाँ आके पैथोजिन बाइंड कर गया है, मतलब इसका ये मतलब हुआ कि हमारा सेंटिनल सेल रिकॉग्नाइज कर लिया है कि पैथोजन का एंट्री हो गया है। अब क्या करेगा कि ये सेल कुछ प्रो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर रिलीज करेगा, प्रो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर रिलीज करेगा ये सारे सेल। ये कौन सा होगा, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं हिस्टामिन, दूसरा लिख रहे हैं इंटरल्यूकिन 6, तीसरा लिख रहे हैं इंटरल्यूकिन 1, चौथा लिख रहे हैं ये TNF alpha, पांचवा लिख रहे हैं ये जो हमारा, ये देखिए हिस्टामिन इंटरल्यूकिन, ये दोनों क्या है, ये साइटोकाइंस है, प्रोस्टाग्लैंडिन लिख सकते हैं PGI2, साथ ही साथ PGE2। अब देखिए ये रिलीज हुआ हिस्टामिन, अब स्पेसिफिकली अभी बात करेंगे कि ये हिस्टामिन रिलीज कौन किया, ये दरअसल हिस्टामिन रिलीज करता है ये सब प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर, एक्चुअली स्टिमुलेट किया ये, और ये जब साइटोकाइन हिस्टामिन, ये बेसिकली साइटोकाइन है जो ये रिलीज करता है, और इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 1, और ये TNF का मतलब होता है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। ये देखिए ये प्रोस्टाग्लैंडिन I2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ये सब रिलीज होगा। अब सबसे पहला जो रिलीज होगा सेल जो टिश्यू के अंदर इन्वेजन हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो सबसे पहले क्विक एक्शन में आएगा हिस्टामिन रिलीज होगा। तो हिस्टामिन रिलीजिंग जो एक सेल है जिसको हम लोग मास्ट सेल बोलते हैं, तो वो मास्ट सेल एक्टिवेट होगा पहले, और मास्ट सेल क्या करेगा, ये जो अगर बोल रहे हैं कि ये मास्ट सेल है, इस मास्ट सेल के अंदर ये वेसिकल्स होता है, और ये वेसिकल्स प्रीलोडेड है हिस्टामिन से, ये हिस्टामिन, और ये हिस्टामिन ये वेसिकल्स में है, इसका डीग्रेनुलेशन होगा, मतलब बाहर रिलीज करेगा ये हिस्टामिन, और हिस्टामिन बाहर रिलीज होगा। अब हिस्टामिन जैसे बाहर रिलीज होगा तो ये क्या करता है कि जो हमारा कैपिलरी और वेन्यूल्स का इंडोथेलियल लाइनिंग है उसके सरफेस पे एक रिसेप्टर होता है इस हिस्टामिन के लिए। अगर हम आगे बात करें, ये हिस्टामिन है और ये हमारा इंडोथेलियल सेल है, ये इंडोथेलियल सेल है, इस ये क्या है लिख देते हैं इंडोथेलियल सेल। दरअसल कहाँ का इंडोथेलियल सेल है, अगर लिखे तो कैपिलरी का है, कैपिलरी वेन्यूल्स, इसका ये इंडोथेलियल सेल है। अब ये इंडोथेलियल सेल पे रिसेप्टर होता है इस हिस्टामिन के लिए, देखिए ये रिसेप्टर है,
ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर है, जीपीसीआर है, जीपीसीआर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, और ये एक्चुअली इसी में जीक्यू मेंबर का है ये, और इस रिसेप्टर का नाम है H1 रिसेप्टर। इस रिसेप्टर का क्या नाम है? H1 रिसेप्टर। ये जैसे बाइंड करता है यहां पे, ये बाइंड कर गया जब हिस्टामिन, तो ये क्या करता है देखिए, ये दरअसल टाइप 1 इंडोथेलियम एक्टिवेशन करता है। ये जैसे बाइंड कर गया यहां, तो ये लीड करता है टाइप 1 इंडोथेलियल एक्टिवेशन को, इंडोथेलियल एक्टिवेशन को। अब टाइप 1 इंडोथेलियल एक्टिवेशन में क्या होगा, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है। टाइप 1 इंडोथेलियल एक्टिवेशन में क्या होगा कि हमारा वैसोडाइलेशन होने लगेगा, कैपिलरी वेन्यूल का वैसोडाइलेशन होगा, मतलब उसका जो जो ल्यूमेन है कैपिलरी और वेन्यूल्स का, वो उस साइज उसका वो बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं वैसोडाइलेशन। पहले क्या होगा टाइप 1 में? वैसोडाइलेशन या वैसोडाइलेटेशन, वैसोडाइलेशन। दूसरा क्या होगा? एक एक्स्ट्रावैसेशन होगा, एक्स्ट्रावैसेशन ऑफ न्यूट्रोफिल, एक्स्ट्रावैसेशन ऑफ न्यूट्रोफिल। तीसरा इवेंट इसी के अंदर टाइप 1 इंडोथेलियल एक्टिवेशन में जो होगा वो इंडोथेलियल कंट्रैक्शन होगा। क्या होगा? इंडोथेलियल कंट्रैक्शन। ये इवेंट है 3 मेजर इवेंट जो टाइप 1 एक्टिवेशन का पार्ट है, वैसोडाइलेशन, एक्स्ट्रावैसेशन ऑफ न्यूट्रोफिल, ठीक है, साथ ही साथ इंडोथेलियल कंट्रैक्शन। ये टाइप 1 में, ये इंडोथेलियल कंट्रैक्शन का सिंपल मतलब ये होता है कि जैसे देखिए ये इंडोथेलियल सेल है, अगर ऐसे करके दिखा, ये इंडोथेलियल सेल है, ये इंडोथेलियल सेल है, ऐसे ये टाइट जंक्शन से कनेक्टेड रहता है बहुत सारे एडेसिन मॉलिक्यूल से, कि ये इसमें किसी तरह का गैप नहीं है, लेकिन इस प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल के मेडिएटर के रिस्पॉन्स में ये एक्टिवेट हो गया है और ये कंट्रैक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ गैप क्रिएट हो गया, और इसी से जो हमारा फ्लूइड है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रावैसेशन ऑफ न्यूट्रोफिल या लिकोसाइट, ये आएगा बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ आने लगेगा न्यूट्रोफिल एलोंग विथ सम सो मैनी प्रोटीन्स। तो ये इसको हम लोग एक्स्ट्रावैसेशन बोलते हैं और इसको इंडोथेलियल कंट्रैक्शन बोलते हैं। वैसोडाइलेशन जो जो वेसल्स है, मतलब कि बात करें अगर कैपिलरी और वेन्यूल्स की, उसके डायमीटर, उसके ल्यूमन का डायमीटर बढ़ जाएगा। उसके ल्यूमन का डायमीटर बढ़ने का ये मतलब हुआ कि फ्लूइड वहाँ लार्ज अमाउंट में फ्लूइड आने लगेगा, और इसीलिए जो कार्डिनल सिम्टम दिखता है एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन यही 2-3 दिखता है, रेडनेस, स्वेलिंग, साथ ही साथ पेन, फेलियर ऑफ नॉन फंक्शनलिटी ऑफ सेल, ये सारा जो सिम्टम दिखता है ये दरअसल ड्यू टू दिस, ये फ्लूइड का वहाँ आना, ब्लड का आना, हॉट, उस एरिया का हॉट हो जाना, चूँकि ब्लड वार्म होता है, साथ ही साथ रेडनेस हो जाना, RBC के चलते रेड हो जाता है, साथ ही साथ पेन होना, मेडिएटर, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स के चलते पेन होता है, तो ये कार्डिनल सिम्टम्स कुछ हैं। तो इस पे बात नहीं करेंगे, अब इसके एक्चुअल मैकेनिज्म पे बात करते हैं कि आखिर ये जो ल्यूमेन का साइज बढ़ा है तो उसमें एक्चुअल होता क्या है। दरअसल अगर हम बात करें तो ये जो इंडोथेलियल सेल है, इंडोथेलियल सेल टाइप 1 एक्टिवेशन हुआ है, इसमें क्या होगा कि इस तरह से ये मॉडिफाई करता है, ये इन्फ्लामेटेड इंडोथेलियल सेल, ये इंडोथेलियल इन्फ्लामेटेड इंडोथेलियल इसको बोलेंगे, या एक्टिवेटेड इंडोथेलियल टाइप 1 एक्टिवेटेड इंडोथेलियल सेल बोलेंगे। इसके सरफेस पे एक कैम एक्सप्रेस्ड होने लगता है, एक कैम मॉलिक्यूल। इस कैम मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम लोग P-selectin, इसको बोलते हैं P-selectin, और ये P-selectin बेसिकली बाइंड करता है इस न्यूट्रोफिल का। ये जैसे न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल कभी भी बनाइए तो मल्टी लोबलर बनाइए, ये न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल के सरफेस पे एक कार्बोहाइड्रेट एक्सप्रेस्ड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग साइलाइल लेविस एक्स। ये कार्बोहाइड्रेट है, ये टेट्रासेकेराइड है,
ये इसके साथ बाइंड करता है और ये इतना वीकली बाइंड करता है, वीक बॉन्ड के, ये इसका इंटरेक्शन एक्चुअली वीक है। ये क्यों है? ये जैसे इंटरैक्ट हुआ है, इसका मतलब है कि जो 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 हमारा कैपिलरी है उसमें जो फ्लो कर रहा है ब्लड फ्लूइड, उसमें जो न्यूट्रोफिल है उसको स्लो डाउन करना है, टू स्लो डाउन, क्योंकि साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पे ले जाने के लिए न्यूट्रोफिल को रोकना होगा। तो इसको रोकने के लिए ये करता है, इसके साथ बाइंड करता है और इस मैकेनिज्म को क्या करता है कि बाइंड करता है, छोड़ता है, फिर से बाइंड करता है, रोलिंग बोलते हैं, न्यूट्रोफिल रोलिंग, ये रोलिंग मैकेनिज्म है, रोलिंग, ये रोलिंग है। दूसरा, ये रोलिंग हो गया लेकिन ये टाइट बाइंडिंग नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि हमारा ये जो इंडोथेलियल सेल है, ये इंडोथेलियल सेल, इसके सरफेस पे एक और आईकैम वन एक्सप्रेस्ड होता है, आईकैम वन इंट्रासेलुलर एडहेशन मॉलिक्यूल वन, और ये क्या होगा कि न्यूट्रोफिल के साथ बाइंड करता है। ये जो हमारा न्यूट्रोफिल है, ये न्यूट्रोफिल पे एक IGSF नाम का ये रिलीज होता है जिसको VCAM बोलते हैं, VCAM1, वैस्कुलर सेलेडेशन मॉलिक्यूल 1, और ये दोनों जब बाइंड कर जाता है तो ये टाइट एसोसिएशन में आ जाता है, टाइट एसोसिएशन में, और टाइट एसोसिएशन के बाद क्या होगा कि ये दरअसल स्क्वीजिंग होगा। अगर हम ऐसा देखते हैं, ये इंडोथेलियल लाइनिंग है, ये इंडो, चूँकि कंट्रैक्शन हो चुका है इंडोथेलियल में, तो यहाँ स्क्वीजिंग हो जाएगा, ये इसका, ये हमारा न्यूट्रोफिल का, ये जो न्यूट्रोफिल है मल्टीलोबुलर न्यूट्रोफिल, इसका स्क्वीजिंग हो गया एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, और साथ साथ माइग्रेशन होगा, स्क्वीजिंग होगा जिसको डायपडेसिस बोलते हैं। ये स्क्वीजिंग को क्या बोलते हैं? डायपडेसिस। और लास्टली ये माइग्रेशन होगा, इसका इसका माइग्रेशन होगा। तो ये एक्चुअली ओवरऑल मैकेनिज्म फॉलो होता है ड्यूरिंग टाइप वन इंडोथेलियल एक्टिवेशन, तो ये याद रखना पड़ेगा। अब देखिए टाइप टू में क्या होगा, टाइप टू एक्टिवेशन इसके बाद होगा, और वो ये इमीडिएट एक्टिवेशन होता है, मतलब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्वेजन के बाद इंडो टाइप वन इंडोथेलियल एक्टिवेशन तुरंत होता है, लेकिन टाइप टू डिले होता है, कुछ टाइम लगता है उसको एक्टिवेट होने में। और उसका एक्टिवेशन अगर हम बात करें तो इसी का कंसिक्वेंस प्रोसेस है, टाइप वन और टाइप टू एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं, टाइप वन हम लोग कर लिए, अब टाइप टू इज फॉलोड बाई टाइप वन एक्टिवेशन ऑफ इंडोथेलियल सेल। इसमें क्या होगा? इसमें भी वही होगा, इसमें क्या होगा कि और ज्यादा ल्यूमेन का साइज बढ़ जाएगा और साथ ही साथ उसमें फ्लूइड और लार्ज अमाउंट में आने लगेगा, और न्यूट्रोफिल